तो दोस्तों देख सकते हो कि यह 10वीं जमात वाले का पेपर साइंस 17 सितंबर 2022 का यह साढ़े को एक पेपर पहुंचा वा। यह 80 नंबर का पेपर आ, 3 घंटे का समा मिलेगा तो दोस्तों देखने को तो यह लगता वा कि कोई क्वेश्चन पेपर जिमें कि स्कूल के नहीं मिलते उस टाइप लग रहा वा, तो विद सोल्यूशन भी आ। ठीक है जी, अगर तुम्हें दोस्तों ये वाला पेपर आ जाता वा तो चलो बहुत वधिया गल आ, जे नहीं आता तो दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन के तैयारी कर लो। ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है जिमें कि अगर किसी ने तैयार किए तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे तो पूरा यह सॉल्व करा देना। तो दोस्तों देखो सब तो पहले है भाग उड़ा, आप PDF वाल चलते हैं, मैं यदि PDF भी बना लिया। पहला क्वेश्चन पेपर देख लो, इस तरह का यह क्वेश्चन पेपर आ। ठीक है जी, आ हो गया, तो इस बाद आ यदा बैक साइड है। ठीक है जी, तो चलो दोस्तों आप PDF ओपन कर लें। PDF तो इन्हों में आंसर लिखे हुए हैं जिमें कि हाँ जी। तो दोस्तों आ देखो सब तो पहले है भाग उड़ा एक अंक वाले प्रश्न। तो देखो दोस्तों पहला प्रश्न की है कि तुम किमें कह सकते हो कि रसायनिक क्रिया हुई है। हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो यदा आ जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ अबब, यानी कि दोस्तों जो अवस्था में परिवर्तन हो। ठीक है जी, तो रंग में जोड़ा है परिवर्तन हो गैस की जी है उत्पत्ति हो। ठीक है जी, तो फिर दोस्तों असं कह सकते हैं कि रसायनिक क्रिया हुई है। उस तो बाद अगला प्रश्न है अपना कि समजाती लड़ी दे दोस्तों दो जोड़िया विच ला अंतर, यानी कि टू नेबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। तो दोस्तों यदा आ जाएगा -CH2। ठीक है जी, अगला प्रश्न की है कि कार्बन की जोड़ी है कि भिन्न रूप जो बिजली का चालक है द ऑल ट्रॉपिक फ्रॉम। ठीक है जी, ऑफ कार्बन दैत कंडक्ट्स इलैक्ट्रिसिटी, यदा आ जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। ठीक है, तो LPG का मुख्य तौर पर दोस्तों केड़ी गैस होंगी है, विच इज़ द मेन गैस इन LPG। तो दोस्तों वो होंगी है बुटेन। ठीक है जी, तो अगला है दोस्तों यदा विच कि पोटाशियम नाल संबंधित तत्तों के परिवार नू की कहा जाता है। तो दोस्तों द फैमिली ऑफ एलीमेंट्स ऑफ टू विच पोटाशियम बिलोंग इट्स कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जोड़ा है वह अपना आ जाएगा दोस्तों अलकली धाता। ठीक है जी, तो उस तो बाद छेवें है कि मनुखी शरीर में जी है चर्बी का पाचन कितने होंगे है। तो दोस्तों इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन, तो इसका आ जाएगा दोस्तों समॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, यानी कि छोटी आंदर। ठीक है, उस तो बाद हुण अपना अगला प्रश्न है कि हेठ लिखिया विचों केड़ा पदार्थ, ठीक है, लेंस बनाने लई वरत्या नहीं वरत्या जा सकता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। तो इसका आ जाएगा दोस्तों जिमें कि क्ले। ठीक है जी, मिट्टी। उस तो बाद 8वां प्रश्न, मनुखी शरीर में जिहड़े है गैसा का स्थान अंतर केड़े अंग द्वारा हुंदा है, यानी कि पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी रिस्पोंसिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसिज इज़। तो दोस्तों यदा आ जाएगा एबोली। ठीक है जी, एबोली, हाँ जी। तो उस तो बाद है कि अपना आहार नली का दोस्तों सब तो वड्डा अंग केड़ा है। तो दोस्तों इसका आ जाएगा समॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी अंदर। उस तो बाद है 10वां प्रश्न कि मनुखा विच जिहड़ी हैगी आ गुण सूत्रां दी गिणती किन्नी हुंदी है। तो दोस्तों वो हुंदी है 46, यानी कि वट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन इज़ 46। ठीक है जी, उस तो बाद है अनुकूल स्थितियां दौरान दोस्तों जिहड़ी हैगी अंबीबा किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका की मतलब है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशनस अंबीबा रिप्रोड्यूस बाय। तो दोस्तों बाइनरी फिजन्स। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना दोस्तों केला गुलाब जैसमिन ते सतरंगा वर्गे पौदे ने डैश पौद्या की जी है समर्था गुआ दी है, यानी कि प्लांट्स लाइक बनाना रोजेस जैसमाइन जैसमिन ऑरेंज हैव लॉस्ट द कपैसिटी टू रिप्रोड्यूस। तो दोस्तों यदा आ जाएगा बर्ड्स, यानी कि कलियाँ। ठीक है, उस तो बाद है अपना 13वां प्रश्न कि इन केड़ी बीमारियाँ लिंग तौर पर नहीं फैलदियाँ। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीजिज इज़ नॉट सैक्सुअली ट्रांसमिटड, यानी कि दोस्तों अपना आ देख सकते दोस्तों हैपेटाइट्स। ठीक है जी, तो उस तो बाद है अपना एक पौन ऊर्जा फार्म द्वारा बिजली पैदा करने लिए हवा की घट्टो घट गति किन्नी होनी चाहिए है, यानी कि वट शुड बी द जिहड़ा है मिनिमम स्पीड ऑफ एयर टू जनरेट इलैक्ट्रिसिटी बाय ऑफ विंड एनर्जी फार्म। तो दोस्तों 15 किलोमीटर/आवर। ठीक है, उस तो बाद है दोस्तों बायोगैस का मुख्य हिस्सा केड़ा है, यानी कि विच इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो दोस्तों इसका है मिथेन। तो हेठा देते दोस्तों किसका दोस्तों सब तो वध जोड़ा है कैलोरी मुल है। तो दोस्तों इसका है LPG, यानी कि द हाईएसट कैलोरोफिक वैल्यू। ठीक है जी, किसकी है LPG की। उस तो बाद तो है अख है प्रश्न 17वां कि एक भाफ इंजन में भाफ की जी है ताप ऊर्जा किस विच जी है बदल जाती है, यानी कि अ स्टीम इंजन कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इनटू। तो दोस्तों इसका आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। तो उस तो बाद दोस्तों ये तुहाडा भाग आड़ा बा दो अंकों वाले प्रश्न ने जिमें कि पोषण तो की भाव है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप देख लें, इसके आंसर मैं थले नोट किए हुए हैं। तो देख सकते दोस्तों पोषण की है। तो दोस्तों ये क्यों जरूरी है, तो देखो कुल प्रक्रियावां जिन्हों द्वारा दोस्तों जीवित जीव भोजन समग्री प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, उन्होंने विकास मुरम्मत और ऊर्जा प्रदान करने लिए दोस्तों वरतों लियाई जिहड़ा हैगा तैयार करते हैं। ठीक है जी, उन्होंने जिहड़ा हैगा वा पोषण कहा जाता है। ठीक है जी, इंग्लिश दे विच जिवें कि तुसीं देख सकते हो वट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, तो न्यूट्रिशन द सम टोटल ऑफ प्रोसैस बाय विच लिविंग ऑरगनाइजम ओबटेन फूड
materials and prepare them for use in growth repair and providing energy is termed nutrition। ठीक है जी, तो आही अपना क्वेश्चन सीगा कि न्यूट्रिशन या फिर दोस्तों जिन्हों आप पंजाबी दे विच पोषण कहने हैं, ठीक है जी, की है। उस तो बाद दोस्तों साम जाति लड़ी की हुंदी है, यानी कि व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज। दोस्तों देखो साम जाति लड़ी की हुंदी है, उदाहरण देके व्याख्या करो तो इसका जो आंसर है देख सकते हो कि वक् वक् लंबाई वाली कार्बन लड़ी जिस विच एक क्रियात्मक समूह मौजूद होवे उसनू साम जाति लड़ी कहिंदे हन। ठीक है जी, साम जाति लड़ी हैगी है जिहड़ी दे सारे मैंबर दोस्तों रसायनिक गुण इको जिहे हुंदे हन। साम जाति लड़ी दे दोस्तों लगातार दो मैंबर विच जिहड़ा हैगा सी एच टू का अंतर हुंदा है। उदाहरण वजो अलकोहल की साम जाति लड़ी दोस्तों सी एच थ्री ओ एच, सी टू एच फाइव ओ एच, सी थ्री एच सैवन ओ एच, तो सी फोर एच नाइन ओ एच है। ठीक है जी, उस तो बाद हुण जिहड़ा अगला गल करिए तो अगला अपना प्रश्न की है देख सकते हो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना कि प्रकाश का जिहड़ा हैगा परिवर्तन तो की भाव है, व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो इसका देख लें आप आंसर की है। हाँ जी, ये हो गया सीगा, तो इस तो बाद वाला जिहड़ा अपना प्रश्न है, ठीक है जी, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन की हुंदा है। तो दोस्तों जदों कोई प्रकाश की किरण किसी पालिश की हुई सतह ते दोस्तों जिमें कि दर्पण उपर पैंदी है तो वह दोस्तों उसे ही माध्यम विच दोस्तों वापस मुड़ आउंदी है तो उसनू प्रकाश का जिहड़ा हैगा परिवर्तन कहिंदे हन। ठीक है जी, तो हुण अगला प्रश्न की सीगा अपना देख लें इत्थे। हाँ जी, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु रचना की है, तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप देख लें। हाँ जी, थले आप इस आंसर भी नोट किए हुए हैं, जिमें कि तुम आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु रचना की होगी जिसका फॉर्मूला सी ओ टू है। थोड़ा जहा डिफरेंस है ये आह फॉर्मूला लगा के दिता है, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन के पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जी है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु रचना की होगी। ठीक है जी, सिर्फ इन्ना ही पूछा है, बट ये इन्होंने फॉर्मूला लगा के दसया होगा कि सी ओ टू की किमें होगी। तो देख सकते हो दोस्तों आह वाला इन्होंने फॉर्मूला दसया होगा, एक तो आह या फिर दोस्तों अपना यह, ठीक है जी, ओ तो उस तो बाद दोस्तों ए सी तो ओ, इन्होंने इस तरह का दसया होगा कि यह तुम छाप के आ जाना अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मतलब अगर पेपर दे विच आ गया। ठीक है, इसनों दोस्तों इंग्लिश दे विच इस तरह का लिख सकते हैं जिमें कि वट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला सी ओ टू। ठीक है जी, तो देख सकते हो दोस्तों इन्होंने इस तरह का इतने लिखा वा, तो बाकी आह स्टूडेंट ने इस तरह का ही लिखा वा। ठीक है, एवं तुम भी लिख सकते हो। ठीक है जी, आ अपना क्वेश्चन सीगा। ठीक है जी, तो ये दोस्तों आह वाली चीज़ जिमें कि द फॉर्मूला सी ओ टू दोस्तों स्पैशल ये इतने रैफरेंस किया गया वा। ठीक है जी, बट क्वेश्चन के जो उपर देखिए तो ये दोस्तों आह सी ओ टू का कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तक का हैगा कला, यह देख लियो। उस तो बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अपना आहारी पद्धर जोड़ा हैगा की है, इस भोजन लड़ी लई दोस्तों उदाहरण दो, व्हाट आर ट्रॉपिक्स लैवल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। ठीक है जी, तो दोस्तों इस दे भी आप आंसर किए हुए हैं, आप देख लें, इस दे आंसर हेठा ही लिखे हुए हैं सारे दोस्तों। ठीक है, वीडियो में लाइक कर दो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यह सोल्यूशन वगैरह लभण के। ठीक है जी, तो देख सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, आगे दोस्तों अपना कि आहारी पद्धर की है। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों भोजन लड़ी का हरेक पड़ा जिस ते दोस्तों ऊर्जा का प्रभाव हुंदा है। ठीक है जी, भोजन लड़ी दी उदाहरण जिवें दोस्तों घा उत्पादक, फिर दोस्तों घा का टिड्डा शाकाहारी, फिर दोस्तों डड्डू तो मांसाहारी, फिर आहारी पद्धर दोस्तों क्या हो जाएगा पहला दूजा तीजा। ठीक है जी, तो दोस्तों इस तरह यह तो आहारी पद्धर हो जाएगा। ठीक है, उस तो बाद हुण जे अगला प्रश्न आप देखिए तो अगला प्रश्न इतने कि बई जिहड़ा हैगा जैविक बधाओ की है। ठीक है जी, तो जैविक बधाओ तो दोस्तों की भाव है या फिर की है जैविक बधाओ, तो देख लें इसका आंसर की है। हाँ जी, तो यह हो गया सीगा। हाँ जी, यह भी हो गया सीगा, यह भी हो गया वा। तो देखो दोस्तों जैविक बधाओ की है, तो दोस्तों जैविक बधाओ भोजन लड़ी दे दोस्तों हरेक आहारी पद्धर से हानिकारक रसायणा की जी है संगता वधन नू जैविक जिहड़ा हैगा बधाओ कहिंदे हन। ठीक है जी, एक बार फिर तो कि भोजन लड़ी दे दोस्तों हरेक आहारी पद्धर से हानिकारक रसायणा की जी है संगणता वधन नू दोस्तों जैविक बधाओ कहिंदे हन। ठीक है जी, तो उस तो बाद आह जिहड़े क्वेश्चन आ दोस्तों यह एक्स्ट्रा दिता हुआ वा, यानी कि आपां सिर्फ मीनिंग पूछा सीगा, आपां इसलिए यह नहीं करांगे। ठीक है जी, बाकी अगर तुम पढ़ना बता इतों तो लैके इतने तक किसी को रीड कर सकते हो। ठीक है जी, तो अगे हुण दोस्तों देखते हैं क्योंकि आपां सिर्फ जैविक बधाओ ही पूछा हुआ वा उपर क्वेश्चन के विच, जिवें कि तुम आह देख सकते हो कि जैविक बधाओ की है आह ही पूछा सीगा। तो अगे है दोस्तों अपना भूताप ऊर्जा की हुंदी है। ठीक है जी, भूताप ऊर्जा आपां देख लैने की है, तो हाँ जी आपां भूताप दा ऊर्जा का आंसर देख लैने आ इस तो बाद। हाँ जी, तो देखो देखो भूताप ऊर्जा की होंगी है, तो दोस्तों भूमि के अंदर परिवर्तन कारण पृथ्वी के जोड़े है पेपड़ी विच दोस्तों जी है डूंगाई के कुछ गर्म खेतर मिलते हैं, इस विच जी है मौजूदा ऊर्जा दोस्तों जी भूताप ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी, भूमि अंदरला पानी इसके संपर्क में आने कारण दोस्तों कई बार जो है गर्म पानी या फिर दोस्तों भाफ भूमि तो बाहर निकलने लगती है, इन्हों गर्म चश्मा कहते हैं। ठीक है जी, तो यह हो गया, तो हूँ अगे देखते हैं दोस्तों तुहाडा प्रश्न किहड़ा है। तो अगर दोस्तों देख सकते हो कि अगला प्रश्न अपना कि ऊर्जा के जोड़े है आदर्श समय विच गुण होंगे। ठीक है जी, तो
तो ऊर्जा के दोस्तों सोमे विच की गुण होंगे हैं, यानी कि वट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो इसका भी आंसर आप देख लें। हाँ जी, तो चलते हैं थोले दोस्तों, आप हो गया सी। हाँ जी, ये भी हो गया सीगा। तो देखो दोस्तों, ऊर्जा के आदर्श सोमे विच की गुण होंगे हैं, तो दोस्तों इस दे विच जिहड़े हैगे आ की गुण होंगे हैं, कैलोरी मुल वध होवे, प्रदूषित रहित होवे। ठीक है जी, तो उस तो बाद दोस्तों जिहड़े हैगे आ इस दियां ढोआ ढुआई सौखी होवे, भंडार करना सौखा होवे, सस्ता होवे, आसानी नाल मिलन योग होवे। ठीक है जी, तो मतलब आ वाले गुण जिहड़े हैगे आ होने चाहिए हैं। ठीक है जी, आ वाले गुण इहदे विच होने चाहिए हैं आदर्श सोमे, ऊर्जा के आदर्श सोमिया दे विच। ठीक है जी, तो हुण अगे देखदे आ तुहाडा अगला प्रश्न की है। तो दोस्तों साढ़े जिहड़े हैगे मैदे च तेजाब की महत्ता है। ठीक है जी, वट आर द वट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमैच। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप देखते हैं। हाँ जी, तो आप चलते हैं थले, यानी कि दोस्तों देखते हो सकते हो कि साढ़े मैदे में तेजाब की महत्ता है। साढ़े मैदे में तेजाब बैक्टीरिया दोस्तों जोड़ा है मारता है। ठीक है, दोस्तों अपना ये थोड़ा जहा उपर आ गए। हाँ जी, तो बैक्टीरिया तो दोस्तों यह मारदा ही आ, जोड़ा अपना तेजाब जोड़ा है साडे मैदे में दोस्तों तेजाब बैक्टीरिया मारता है। दोस्तों पैप्सीन एंजाइम की क्रिया लई दोस्तों तेजाबी माध्यम जोड़ा है वा तेजाबी माध्यम यह तैयार करता है। ठीक है जी, तो उस तो बाद हूँ जो गल करिए अगला अपना प्रश्न की है, तो देख सकते हो दोस्तों अगला प्रश्न की है कि जोड़ा पौधा प्रकाश संश्लेषण लई जरूरी समगरी कितों प्राप्त करते हैं, यानी कि वेयर डू प्लांट्स गैट ईच ऑफ द रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, तो इसका आंसर देख लें आप। हाँ जी, तो इसका आंसर जिमें कि पौधा प्रकाश संश्लेषण लई जरूरी कच्ची समगरी कितों लैंदा है, तो देखो दोस्तों पौधा प्रकाश संश्लेषण लई कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडली तो पानी मिट्टी तो दोस्तों अपना पानी मिट्टी तो अते प्रकाश सूरज तो लेंदे हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, तो उस तो बाद जो हम अगे गल करिए तो प्रश्न केड़ा है देख लें। हाँ जी, तो दोस्तों आ हो गया सीगा। ठीक है, तो हूँ अगला है दोस्तों परागण क्रिया निषेचन तो किवें भिन्न है, यानी कि हाउ इज़ द पोलीनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पोलीनेशन और फर्टिलाइजेशन अंतर दसो। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप देख लें। हाँ जी, तो आप आ जाने इतने, तो दोस्तों देखो कि परागण क्रिया निषेचन के तो किवें भिन्न है, तो देखो परागण पहला पॉइंट की है, परागण जी है दोस्तों परागकणा का दोस्तों जोड़ा है पुकेसर तो स्टिगमा तक स्थानांतरण होने नूं दोस्तों परागण कहते हैं। तो इसते जिहड़ा हैगा निषेचन हैगा अपना, ठीक है जी, नर अते मादा जिहड़े हैगे युग्मका दे सुमेल नूं दोस्तों निषेचन कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट, यह दो तरह के होंदे हैं, स्वै परागण अते पर परागण। तो दोस्तों ये भी दो जिहड़े हैगे दो तरह के होंदे हैं, अंदरूनी निषेचन अते बाहरी निषेचन। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण अपना अगला प्रश्न देख लैंदे आ की है। तो दोस्तों देखो अगला प्रश्न है, अलिंगी जनन के टाकरे लिंगी जनन के की लाभ हैं, तो वट आर एडवांटेजिज ऑफ सैक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असैक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो इसका आंसर देख लें। हाँ जी, तो दोस्तों अलिंगी जनन के टाकरे में लिंगी जनन के की लाभ हैं, देखो लिंगी जनन में दोस्तों विभिन्नता पैदा होंदिया हैं जिसन दोस्तों जिस नाल प्रजाति दे लंबे समय तक जीवंदे रहने की जिहड़ी संभावना जिहड़ी वधदी है, तो लिंगी जनन नाल दोस्तों जिहड़ा पैदा होए नवे जीव विच माता पिता दोवां दे गुण होंदे हैं। ठीक है जी, तो इत्थे ही दोस्तों आ वाला जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन सीगा जिवें कि भाग आड़ा, ठीक है जी, आप कंप्लीट करा दिता वा, दो अंकों वाले ही प्रश्न से 18 तो लैके आप 29 तक क्वेश्चन तुहाडे करा दिते हैं, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन तो लैके दोस्तों आप कितने तक सोल्व करा दिते हैं, 29 क्वेश्चन तक सोल्व करा दिते हैं तुहाडे। तो उस तो बाद दोस्तों तुहाडा यह भाग ईडी है जिहड़े कि 3 अंकों वाले प्रश्न हैं, तो उस तो बाद दोस्तों यह तुहाडा भाग सस्सा है जिहड़े 5 अंकों वाले हैं। अगर दोस्तों तुसीं चाहुंदे कि इसके सोल्यूशन भी असीं तुहानूं प्रोवाइड करवाइए जिवें कि आह वाले कराया हरेक दे, ठीक है जी, लभ लभ के, तो दोस्तों तुसीं कमेंट्स बॉक्स के विच दसो कि इसका सोल्यूशन असीं प्रोवाइड कराइए, जिवें तुहाडा रिस्पोंस आएगा उवें ही असीं दोस्तों वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, तो आह वाला भाग तो आह वाला भाग अपना ईडी तो सस्सा दोनों ही सोल्व करा देंगे जिवें इस तरह कराया वा, जिवें दोस्तों तुसीं कहोगे उवें करांगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो के इन्ना ही सीगा, जिम्मे रिस्पोंस आया उस तरह अं करेंगे। बाकी दोस्तों अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिता हुआ वा।